ऑर्बिटर से जो थर्मल इमेज मिली है उससे लैंडर की लोकेशन मिल गई है। हालांकि अभी तक लैंडर से संपर्क नहीं हो पाया है, तो खबर ये आ रही है कि ऑर्बिटर से लैंडर की लोकेशन मिली है, सटीक लोकेशन मिली है। हालांकि संपर्क उससे नहीं हो पाया है, लेकिन ये अच्छी खबर है कि ऑर्बिटर से लैंडर की सटीक लोकेशन के बारे में पता चल गया है। लैंडर विक्रम की से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब खबर यह है कि थर्मल इमेज के जरिए ही विक्रम लैंडर का पता चला है। संपर्क हालांकि इससे नहीं हो पाया है। सिद्धार्थ हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ये जो खबर है सिद्धार्थ, अब इसको किस नजरिए से आगे देखा जाए? इस खबर के लिए हम एक बात कह सकते हैं कि राहत वाली बात है, क्योंकि अभी तक पोजीशन नहीं पता थी किस जगह पर जो है विक्रम लैंडर है। तो जो ऑर्बिटर घूम रहा है उसने इमेजिंग की है और उससे ये पता चला है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के कहां पे लैंडिंग हुई है। अब अगला सवाल ये उठता है कि इसकी पोजीशन पता चलने के बाद धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि इसका असेसमेंट होगा कि कितना डैमेज हुआ है, विक्रम लैंडर की जो लैंडिंग हुई है वो कितनी सेफ रही है। और अगला सवाल ये उठता है कि क्या उससे संपर्क हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तकनीकी खराबी रही होगी जिसकी वजह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई कमांड नहीं जा रही है, वहां पर पोजीशन पता चली है। तो एक बड़ी खबर है इसरो के लिए, और इसके आगे अगर उससे संपर्क हो पाता है तो बड़ी राहत वाली बात होगी। जी बिल्कुल, चांसेस कितने बनते हैं, क्योंकि अगर संपर्क की बात की जाए, हालांकि आपने कहा कि अभी कुछ वहां पर मैसेजेस नहीं जा पा रहे, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो अगर संपर्क की बात करें तो क्या कितने चांसेस बनते हैं? नवजोत, अभी की अगर हम बात करें तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अगले 12 दिन हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं कोई तरीका ढूंढेंगे कि किस तरीके से उससे संपर्क किया जा सके, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें और वो भी स्पेस के अंदर कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं जिसमें इसरो को काफी हद तक जो है हम कह सकते हैं महारत हासिल है। तो कहीं ना कहीं अगर तकनीकी खराबी विक्रम लैंडर के अंदर नहीं है, कोई और वजह है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर विक्रम लैंडर, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उसमें प्रयोग किया गया है, तो अपने आप कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी करेगा। और साथ ही साथ अगर ऐसी जगह पर उतरा है कि अगर इमेजिंग से दिख रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस पर जो है सूरज की रोशनी पड़ रही है, मतलब सोलर पैनल काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संभावना बनती है। लेकिन ये आने वाले दिनों में ही दिख पाएगा कि इसका संपर्क हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी अच्छी खबर है, ये मानी जाए कि लैंडर के बारे में जानकारी मिल गई है, संपर्क स्थापित भले ही ना हुआ हो, लेकिन कोशिशें लगातार अभी जारी है। हाँ बिल्कुल, जो ये एक बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर संपर्क नहीं हो पाता है तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें बस केवल लोकेशन पता चल रही है, ये पता चल रहा है कि वो जगह जहां पर वो उतरा है और किस तरीके से उतरा है, किस पोजीशन में उतरा है, क्योंकि ये बात कही जा रही थी 2.1 किलोमीटर ऊंचाई पर जो विक्रम लैंडर था वो पलट गया था, ऐसी खबरें, अपुष्ट खबरें कही जा रही थी। तो अभी की जो बात अगर हम करें, इसरो ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ उसकी लोकेशन पता चली है, तो क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो क्यों हुआ, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर कांटेक्ट हो जाता है, अगर कमांड ले लेता है विक्रम लैंडर, तो हम कह सकते हैं आगे के मिशन पर काम किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, वो काफी हद तक आसान भी हो जाएगा, तो ऐसे में एक बड़ी सफलता भी कही जा सकती है ये इसरो के लिए। हाँ बिल्कुल नवजोत, ये बड़ी सफलता कही जाएगी, क्योंकि अभी तक जो एक आशंका थी कहीं किसी गड्ढे के अंदर तो नहीं चला गया, किसी क्रेटर के अंदर तो नहीं चला गया, किसी बोल्डर पर तो क्रैश लैंडिंग तो नहीं हो गई है, जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी, इस तरीके की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, तो हम कह सकते हैं उन सबसे कहीं ना कहीं जो अटकलबाजी हो रही थी उससे कहीं ना कहीं निजात मिली है। और साथ ही साथ एग्जैक्ट फैक्ट्स जो है कुछ ही दिनों में लोगों के सामने आएंगे, और अगर कमांड ले लेता है विक्रम लैंडर या उससे संपर्क स्थापित हो जाता है तो एक बड़ी सफलता होगी इसरो के लिए। जी जी बिल्कुल, बड़ी सफलता तो होगी ही, क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि इतिहास रचने से महज 2.1 किलोमीटर ही दूर रह गया था, यानी सब कुछ सामान्य तरीके से ही चल रहा था, लेकिन ऐसे में ऑर्बिटर से मिली इन तस्वीरों ने यकीनन राहत की सांस जरूर वैज्ञानिकों के लिए ये तस्वीरें लेकर आई हैं, लेकिन संपर्क साधना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ भी हमारे साथ हैं, और क्योंकि वैज्ञानिक नजरिए से सिद्धार्थ अच्छे से हमें समझा भी पाएंगे कि संपर्क अगर साधा नहीं जाता तो क्या, और अगर संपर्क साधा जाएगा तब क्या, और उससे पहले साथ ही साथ ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, निराशा वाली वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना देते हुए कि इस तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता की एक नई सीढ़ी पर इसरो
लेकर गया है हिंदुस्तान को, और ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सिद्धार्थ, अब इसके मायने क्या, इन तस्वीरों के क्या मायने हैं, क्योंकि अगर संपर्क साधते हैं तो भी, नहीं साधते तो भी, कम से कम ये तो पता चला तस्वीरों के जरिए कि लोकेशन क्या है। हाँ बिल्कुल नवजोत, क्योंकि लोकेशन पता चल रही है, साथ ही साथ थर्मल इमेजिंग अभी हुई है, और इसके आगे की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ऑर्बिटर में तमाम कैमरे हैं, हाई रिजोल्यूशन कैमरे हैं, उससे हम ये जान सकते हैं कि अगर संपर्क नहीं होता है तब की अगर हम बात करें तो की जो लोकेशन है, लोकेशन क्या है, साथ ही साथ उसकी स्थिति क्या है, क्या उसमें डैमेज हुआ है नहीं हुआ, उसका असेसमेंट हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें स्पीड क्या रही होगी, क्योंकि जब हमको ये पता चलता है डैमेज हुआ है तो डैमेज कितना हुआ है, और इन सब चीजों से असेस किया जा सकता है कि उसकी जो लैंडिंग हुई, लैंडिंग के वक्त स्पीड क्या थी। और इसके इतर अगर हम बात करें, इससे हटकर अगर बात करें, अगर संपर्क हो जाता है तो इससे बेहतरीन चीज कोई नहीं होगी, क्योंकि संपर्क हो जाने के बाद रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ वैज्ञानिक प्रमोद काले जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि लैंडर विक्रम से अभी तक भले ही संपर्क ना हो, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं, क्या उसका मतलब निकाला जाए इन तस्वीरों के जरिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी न्यूज है, अगर जो लूनर ऑर्बिटर जो है हमारा, वहां से जो इमेज आ रही है तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि कहां पर वो है, और जो हमारी जो निर्धारित जगह थी वो वहीं पर जो होगा तो सबसे अच्छी चीज होगी वो, और जो भी कुछ कम्युनिकेशन मिल सके तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, मगर ये बहुत अच्छी न्यूज आई है। बिल्कुल, लेकिन प्रमोद जी जरा समझाइए, क्योंकि अगर हम देखें कि वक्त लगेगा, आप कह रहे कि अभी वक्त लगेगा, थर्मल इमेज के जरिए विक्रम लैंडर का भले ही पता चल गया हो, लेकिन क्या कम्युनिकेशन साधने में पहली बात तो ये आसान होगा या नहीं, दूसरा ये कि वक्त लगेगा, अगर लगेगा तो कितना? मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो यहाँ से सिर्फ देख रहा हूँ दूर से, अगर जो कम्युनिकेशन जो मिल सके तो सबसे अच्छी चीज होगी, क्योंकि हमारे पास अभी उसके बाद 10-11 दिन तक वहाँ सनलाइट पहुँचता रहेगा, अगर जो उसके सोलर एरेज है वहाँ से जो अगर जो उसको पावर मिलती होगी तो आगे देखना होगा कि कम्युनिकेशन जो हो जाए तो सबसे अच्छी चीज है, मगर जो कम्युनिकेशन नहीं हो जाए तो फिर उसकी उसको खोलना और वहाँ से रैंप निकाल के रोवर को बाहर निकालना, ये सब चीज आगे कैसे होगी मुझे तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है जी। लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं, इससे ये जानना चाहेंगे प्रमोद जी, कितनी राहत की सांस वैज्ञानिक इस वक्त इसरो में ले रहे होंगे? एकदम अच्छे सब सोचते होंगे कि बस अभी जो पूरी जो इमेज आई हुई, इसका मतलब ये होगा कि लैंडर जो है वो वहाँ अच्छी तरह से जाके लैंड कर चुका है, सिर्फ कम्युनिकेशन में बाधा आई है। अब आगे देखते हैं कि नीचे ग्राउंड से हम वहाँ उसको कमांड भेज सकते हैं कि नहीं, अगर जो कमांड भेज सकेंगे तो पता चलेगा आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रमोद काले जी इस वक्त खगोल शास्त्री जिनके साथ हम बातचीत भी कर रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर भी जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। ये वो तस्वीर है जब बिल्कुल निराश हो गए थे वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक कहीं ना कहीं आप देख भी सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री किस तरीके से सांत्वना देते हुए, और वहां पर सबकी सांसें थमी हुई थी, लेकिन अचानक 2.1 किलोमीटर पहले जिस तरीके से संपर्क टूटा था और उसके बाद निराशा का माहौल वहां पर, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे सबको समझाया और सबको ये कहा कि ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है, इसरो के वैज्ञानिकों के लिए गर्व की बात है, और उन्होंने साथ ही साथ ये लाइन भी जोड़ी कि मैं और देश आपके साथ है, और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि आप वही लोग हैं जो मां भारती का सर ऊंचा रखने के लिए पूरा जीवन खपा देते हैं। यानी इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों के साथ खड़े और उनको सांत्वना देते भी नजर आए। लेकिन अब ये जो खबर आई है ये वाकई थोड़ी राहत की है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या संपर्क होगा या नहीं होगा। हमारे साथ प्रमोद जी इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद जी, क्या आगे की प्रक्रिया अब इसमें रहेगी? बने बताए थे अगर जो वहाँ उसको जो पावर मिल सकती होगी, अगर जो अच्छी तरह से लैंड हुआ होगा तो और भी प्रयत्न करना बहुत अच्छी बात है, और ये प्रयत्न करते ही रहेंगे ये सब लोग। अगर हमारे पास इतना कुछ ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 10-12 दिन है और जहाँ वहाँ सनलाइट पहुँचता है जी जी, अब देखते हैं आगे कि किस तरीके से ऑर्बिटर ने जो इमेज दी है, इसी तरीके से ऑर्बिटर से भी अगर जो कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है लैंडर के साथ, क्योंकि लैंडर और ऑर्बिटर दोनों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे,
अब देखते हैं अगर वहां से कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है या नहीं। बिल्कुल, वक्त कितना बचा है, वक्त कितना है अभी? मुझे लगता है 10 से 12 दिन तक का वक्त होगा, क्योंकि उसके बाद अगर जो वहाँ सनलाइट पहुंचेगा नहीं तो फिर वो उसका जो सोलर आ रही है उसको वहां से पावर जनरेट नहीं होगी। जी शुक्रिया प्रमोद जी हमसे बात करने के लिए। खगोल शास्त्री प्रमोद काले जिनसे हम बात कर रहे थे, समझा रहे थे जो हमें कि आखिर इन तस्वीरों से कितनी बड़ी राहत वैज्ञानिकों को है, लेकिन अभी 10 से 12 दिन का वक्त और है और ऐसे में संपर्क कोशिश की जाएगी कि साधा जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर मुश्किल होगी। कम्युनिकेशन के चांसेस है भी नहीं भी है, लेकिन वक्त भी लगेगा इसमें। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी किया गया है, लेकिन तीन तस्वीरें परसों जिस तरीके से संपर्क टूटा था, निराशा की तस्वीरें, नाउम्मीदी भरे चेहरे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन्हीं चेहरों पर उम्मीद भी जगाई थी ये कहते हुए कि ये शुरुआत है और निराश नहीं होना चाहिए। और तीसरी तस्वीर ये कि विक्रम का पता चला है, अब संपर्क साधना जरूरी होगा। इसरो चीफ के सिवन से हमने बात की है, आज तक ने क्या कुछ उन्होंने कहा ये सुनते हैं। Has ISRO managed to find the exact location of the lander, sir? Lander we could locate, that is the exact location and all, we are not concerned. But you have located the lander where it is on the moon? From the orbiter we could locate. Sir, and has the orbiter clicked any photographs of the Vikram lander as of now? As a general, not a clicking photo, it is like as an image you have seen that one. It's a thermal image or something, sir? Yes, it is a normal thing. It is nothing great. Oh, it's a normal image. But as of now, ISRO knows the location of where the lander is, and still the communication is trying to be established. Yes. Has ISRO managed to find the exact location of the lander, sir? Lander we could locate. That is the exact location and all, we are not concerned. But you have located the lander where it is on the moon? From the orbiter we could locate. Sir, and has the orbiter clicked any photographs of the Vikram lander as of now? As a general, not a clicking photo. It is like as an image you have seen that one. It's a thermal image or something, sir? Yes, it is a normal thing. It's nothing great. Oh, it's a normal image. But as of now, ISRO knows the location of where the lander is, and still the communication is trying to be established. Yes.